फाइनल में दिल्ली जगह बना चुकी है फाइनल में। रोहित तोमर जिनके नाम है 50 रेड पॉइंट्स शुरुआत करते हुए। रोहित तोमर जो है काफी दबाव जरूर बनाएंगे क्योंकि अब तक खेलो इंडिया के कबड्डी इवेंट में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स और ओपनिंग पॉइंट भी अपने नाम किया है। ये शानदार ओपनिंग है, ये एक जबरदस्त ओपनिंग है उत्तर प्रदेश की। पहला पॉइंट रोहित तोमर रेड पर और 1-0 का स्कोर। एंड आई थिंक इट डज अ ग्रेट डील ऑफ आई शुड से एनकरेजमेंट फॉर द टीम दैट्स रेडिंग फर्स्ट। और पहली रेड में एक अगर पॉइंट ले जाएं तो सोने पे सुहागा। इस समय गुजरात क्या वो भी ऐसा कर पाएंगे? पहली रेड हेमंत चौधरी कर रहे हैं और क्राउड यहां एक्साइटेड होता हुआ और सक्सेसफुल रेड करार दी गई। तो दोनों गुजरात और उत्तर प्रदेश अपनी पहली रेड सक्सेसफुल। पिछले मुकाबले में काफी वन साइडेड अफेयर देखने को मिला था लेकिन इस मुकाबले की हुई है शानदार शुरुआत। ये है रियल सेमीफाइनल मैच। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि यूपी और गुजरात के बीच दिखेगी कड़ी टक्कर, ऐसा साफ नजर आता है स्कोर लाइन पर। ओह क्या जंप लगाया है, आउटस्टैंडिंग रेड। यहां देख सकते हैं क्यों यूपी की टीम हावी है, सक्सेसफुल रेडर्स उनके साथ हैं। सागर पनवर की यहां लिप देखिए, जंप और हवाई फायर करते हुए एक पॉइंट की बढ़त दिला गए यूपी को। फिलहाल ये हैं जिगर नारायण भाई चौहान, इनका पूरा नाम है, और बहुत जल्दी वापस आ गए यहां पर। डिफेंस अपना उसी पर ही नजर रखेगी गुजरात की टीम। जो सेमीफाइनल वो हरियाणा के साथ खेले वो एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट था, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ गुजरात खेली थी। पर उत्तर प्रदेश जानती है कि गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। आज शायद उन्हें उस डिफेंसिव मोड में जाने ना दे, अटैक पर जाएगी यूपी। रोहित तोमर इस समय रेड पर है, समय था अभी भी, और टच क्लेम किया और एक पॉइंट मिलता हुआ यूपी को। हेमंत चौधरी इस समय बोनस ऑन है क्योंकि सातों के सातों खिलाड़ी मैदान पर हैं और देखिए काफी आगे आके डिफेंस कर रहे हैं, एक तरफ ले जाने की कोशिश उनको कर रहे हैं। इतनी आगे आ रहा है डिफेंस, पूरी तरह से निगाहें उनकी उन्हीं पर हैं कि रोक लिया जाए हेमंत चौधरी को। एक अच्छी मूवमेंट के साथ और डिफेंस का लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव होना, लेकिन नो पॉइंट। अभी भी 3-2 का स्कोर है। एक बार फिर रोहित तोमर दो चेन यहां पर गुजरात फॉर्म करता हुआ, राइट कॉर्नर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अब गए हैं राइट कॉर्नर पे, टच क्लेम कर रहे हैं रोहित तोमर। जी हां, एक और पॉइंट उनको मिला और हेमंत चौधरी जो खुद एक रेडर है गुजरात के वो बाहर जाएंगे, यानी रेडर में कटौती होगी गुजरात की टीम की। देख सकते हैं कि कितनी आसानी से पॉइंट ले रहे हैं यूपी के लिए, और इस समय अंपायर और रेफरी टेम्पर्स जो हैं कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं दोनों टीमों के। सपोर्ट यहां पर क्राउड का जो बिल्डअप हो रहा है यूपी के नाम है। गुजरात इस समय 3 पॉइंट से पिछड़ा हुआ, सचिन जुंगिदर रेड पर है, बोनस ऑन है उनके लिए, लेकिन किस तरीके से वो जो काली लाइन है ब्लैक लाइन उसको गार्ड करके रखा हुआ है यूपी ने, बोनस भी उतनी आसानी से नहीं देना चाह रहे। शुरुआत से ही दबाव बनाएंगे क्योंकि ये है सेमीफाइनल मैच, यहाँ पर कोई चांस नहीं लेगी उत्तर प्रदेश की टीम। पड़ोसी राज्य है उनका, पहुंच चुका है फाइनल्स में। देखना होगा दिल्ली का सामना होगा उत्तर प्रदेश से या फिर गुजरात से। 5-2 एक लीड बनाई है, 3 पॉइंट्स है, एक छोटी लीड है और अभी तो शुरुआत हुई है। रविंद्र कुमार पटेल तेजी से, 5 डिफेंडर्स इस समय है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, ये एक क्रूशियल सिचुएशन होती है किसी भी रेडर के लिए कि 5 के डिफेंस में जाके पॉइंट लेकर आना। गुजरात एक हाई स्कोरिंग टीम नहीं है, खेलो इंडिया में जो 3 मैचेस उन्होंने लीग में खेले, जो अपने पूल में खेले, उसमें मैक्सिमम 23 पॉइंट तक ही वो पहुंचे हैं, इसलिए साफ तौर से जाहिर है कि अपने डिफेंस पर ही निर्भर करती है गुजरात की टीम। सचिन वघेला इस समय ऑलराउंडर हैं, रेड पर हैं, डू और डाई रेड है, पॉइंट लेना होगा यहां पे। ओ डू और डाई रेड, तो यहां कहीं सुपर रेड ना हो गई हो। 2 पॉइंट उनके नाम आ गए हैं और 2 रिवाइवल भी वो कर गए हैं अपनी टीम के लिए, बच गए वहां पर डू और डाई रेड के आगे, सुपर रेड लग सकता था लेकिन आखिरकार 2 पॉइंट्स
अपने नाम कर ही लिए। चलिए, अपने डिफरेंस को कम किया है यहाँ पर, 5-4 का स्कोर। 5 मिनट समाप्त हो चुके हैं इस फर्स्ट हाफ के। सागर पवार, ये तो स्ट्रॉन्ग रेडर्स है यूपी के पास में, सागर पनवर और साथ ही साथ रोहित तोमर, लेकिन इस बार सागर पनवर फंस गए हैं। जितना ज्यादा टाइम आप लेंगे तो, लेकिन रेफरी का डिसीजन है उत्तर प्रदेश के पक्ष में, वो साइड लाइन से शायद बाहर हो गए थे। सागर पनवर ने उनको जंप करने की कोशिश की थी, जी हाँ, यहाँ टी शर्ट ग्रैब की थी जो अलाउड नहीं होता कबड्डी में, टी शर्ट पुल करना, इसलिए पॉइंट मिला है उत्तर प्रदेश को। और गुजरात के रेडर्स में उनके अपने कप्तान जिगर चौहान, 2 पॉइंट की बढ़त यूपी के पास। लेकिन गुजरात क्या अपनी वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो इस पूरे टूर्नामेंट में खेलती आई है, क्या उसमें सक्सेसफुल होगी? कप्तान को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि यूपी ने सारे बॉर्डर सील कर दिए यहाँ। मनीष, व्हाट अ वंडरफुल मूव, इतना सेटल, इतना बैलेंस टैकल है ये टैकल। देखिए, सामने से आना, ब्लॉक करना और उनको टर्न कर देना, कोई चांस नहीं छोड़ना उनके लिए। रोहित तोमर इस समय फिर से रेड पर, 2 की चेन और सेंटर में एक खिलाड़ी खाली। रोहित तोमर एक अच्छे रेडर है, लेफ्ट राइट पूरी कोर्ट को यूटिलाइज करते हैं। हमारे वो युवा हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि इस समय बोनस क्यों नहीं मिला, बोनस पाने के लिए 6 खिलाड़ी प्रतिद्वंदी टीम के होने चाहिए, इस समय 5 खिलाड़ी हैं गुजरात के। फिलहाल रेड पर सचिन वाघेला, और सचिन वाघेला के नाम एक भी रेड पॉइंट यहां पर अभी नहीं है। फिलहाल पूरे टूर्नामेंट में तो हावी रहे हैं अपने रेड और टैकल के जरिए, 8 रेड पॉइंट इस मैच के शुरू होने से पहले, 6 टैकल पॉइंट्स हैं, तो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, एक सेंसिबल रेड होनी चाहिए। ये फिर से मौका है इस बार यूपी के लिए। रविंद्र कुमार पटेल, फिर से 5 का डिफेंस है अभी गुजरात के कोर्ट में। रविंद्र कुमार वहां पे पॉइंट लेंगे लेकिन चांस नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं गुजरात का डिफेंस काफी स्ट्रांग है, और अब तक जो जगह बनाई है गुजरात ने इस सेमीफाइनल में, उन्होंने अपने डिफेंस के चलते बनाई है। एक स्ट्रांग डिफेंस के साथ ये टीम इस टॉप 4 एनकाउंटर्स में पहुंची है। विशाल वाघेला रेड पर हैं, बोनस ऑन है, उसके लिए उन्हें ब्लैक लाइन के पार अपना फुट डालना होगा, अभी तक नहीं गया। और यूपी भी बहुत संभल कर खेल रही है, यहाँ पे फुल थ्रॉटल रेड नहीं कर रही है, उस जाल में नहीं फंसना चाह रही है जो गुजरात उनके लिए सेट कर रहा है। इस समय आगे बढ़ते हुए सागर पनवर, इस मैच के शुरू होने से पहले 20 टोटल पॉइंट्स उनके नाम थे, 5 रेड पॉइंट्स इस समय यूपी के, 1 टैकल पॉइंट और भी एक एक्सपीरियंस्ड एस्केप अगर सीखना हो तो इस टाइम पर एटलीस्ट सागर पनवर से जरूर सीखा जा सकता है। कभी डुबकी लगाकर, तो कभी अपने ओपोनेंट के शोल्डर के ऊपर से पुश जंप लेकर। तो यूपी की पूरी टीम इस समय मौजूद है कोर्ट पर, डू और डाई रेड है। हेमंत चौधरी जो 8 रेड पॉइंट ले चुके हैं अपने लीग गेम्स में, क्या इस डू और डाई रेड को सक्सेसफुल कर पाएंगे? और ब्लैक लाइन के पार भी गए तो सक्सेसफुल हो सकती थी रेड, लेकिन डिफेंस मुस्तैद है यहां यूपी का, कहां जगह बनाने दे रहे हैं, और वो गुजरात के डिफेंस में नहीं फंस रहे हैं, अपने डिफेंस में गुजरात के रेडर्स को फंसा रहे हैं। लो स्कोरिंग है ये, इससे अंदाजा लग सकता है कि टीमों का डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। दोनों टीम्स की रेटिंग भी लगभग बराबर की है। सुपर टैकल ऑन है इस समय, क्योंकि 2 ही डिफेंडर्स इस समय मैदान में, अगर 3 या 3 से कम डिफेंडर्स मैदान पर हो तो सुपर टैकल तो ऑन था, लेकिन सामने थे एक बेहतरीन रेडर रोहित तोमर के रूप में, और हमेशा मुश्किल होता है, चेन है नहीं वहां पर, और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे थे डिफेंडर, और रोहित के लिए बहुत आसान हो गया टच करना, और यहां पर ऑल आउट होने की कगार पर है गुजरात की टीम। क्या सचिन वाघेला 1 पॉइंट लेकर एक प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे? क्या गुजरात को ऑल आउट होने से बचा पाएंगे? यही है एक बड़ा सवाल गुजरात के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश अपनी रिदम मेंटेन करके, लो स्कोरिंग जैसा आपने कहा नीति है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली उत्तर प्रदेश ने गुजरात की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी फेल कर दी है, और यहां
ऑल आउट का इंतजार जो सपोर्टर्स यूपी के कर रहे थे उनका इंतजार हुआ पूरा, गुजरात को ऑल आउट कर दिया। ये पहली बार है ऑल आउट हुई है गुजरात और 14-5 यानी कि इस स्कोर पे ये मत सोचे कि लो स्कोरिंग है, एक्शन पैक है ये फर्स्ट हाफ अभी सेमीफाइनल का। एक बार फिर रोहित तोमर वहां पर टो टच करने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे लेग्स उनके, ये उनके लिए एडवांटेज है, उनका बॉडी टाइप एडवांटेज है उनके लिए, उनके एक्सट्रीमिटीज बहुत लॉन्ग है चाहे वो अपर हो या फिर लोअर। गुजरात के लिए समय रेट पर सचिन जोगिंदर, 10 पॉइंट की लीड है यूपी के पास। और अभी अभी अगर आप अपनी टेलीविजन को ऑन करके आए हैं तो ये बता दें कि इससे पहले ये जो बेहतरीन टैकल आपने देखा है उत्तर प्रदेश का, ऐसा ही कुछ शुरू हुआ है इस दूसरे सेमीफाइनल में। ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं खेलो इंडिया के कबड्डी का दूसरा सेमीफाइनल गुजरात और यूपी के बीच में, और टीम वर्क ऑन है यूपी का। और इससे पहले दो सेमीफाइनल गर्ल्स के हो चुके हैं जहां हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 30 पॉइंट्स के मुकाबले 23 से हराया, और गर्ल्स के दूसरे सेमीफाइनल में दिल्ली ने 57 पॉइंट्स बनाए केरला को हराया जो सिर्फ 25 ही बना पाए। रोहित तोमर के 5 रेट पॉइंट्स और गुजरात का स्कोर देखिए 5, तो कहीं ना कहीं जितने पॉइंट्स गुजरात ने अभी तक लिए उतने अकेले जो है रोहित तोमर अपने नाम कर चुके हैं 17-5। धीरे धीरे जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश दबाव बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने और अपनी लीड को लगातार स्ट्रेच कर रहे हैं। जी हाँ, रोहित तोमर की तरह गुजरात के भी टीम में नजर थी हम सबकी जिगर नारायण भाई चौहान की, और अभी एक ड्राई रन चल रहा है, बोनस उनको मिल सकता है। जी हाँ, बोनस मिल गया, लेकिन बोनस नहीं, बोनस से ज्यादा करना होगा गुजरात को। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई है, रेडिंग में ही उन्हें कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा। 17 पॉइंट्स उत्तर प्रदेश के 6 है गुजरात के, सागर पनवर इस समय रेड पर, और टच क्लेम कर रहे हैं, गैलरी में चले गए हैं, इसका मतलब गुजरात के कप्तान को टच करके उन्हें तो बेंच पर भेज रहे हैं और अपनी टीम के लिए ला रहे हैं एक और पॉइंट। एक डेडली कॉम्बिनेशन है यूपी की टीम के पास, ये है सागर पनवर, क्या हैंड टच किया है, लॉन्ग आर्म्स पूरी तरह स्ट्रेच और उसके बाद ये पॉइंट, 6 रेट पॉइंट्स गुजरात के इस समय और अभी तक एक बार भी टैकल पॉइंट उन्हें नहीं मिला है। वहीं बोनस ऑन है अभी, और टैकल पॉइंट्स जिसके लिए गुजरात हावी थी लीग गेम्स में अभी एक भी नहीं मिला। गुड प्ले बाय यूपी, गुड स्ट्रैटेजिकली जिसे कहते हैं एक टैक्टिकल मूव बनाया यूपी ने, और दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। और जब पहले ही हाफ में आप प्रतिद्वंदी को इस छोर पर लाकर खड़ा कर दें कि उनके पास आइडिया ना हो, क्योंकि डिफेंस उनका जिताता रहा है और रेडिंग में ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तो जीत कैसे हासिल हो। रविंद्र कुमार पटेल इस समय 5 प्लेयर मौजूद हैं गुजरात के कोर्ट पर और यहां रेडिंग थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ा समय बिता सकते हैं। और रविंद्र कुमार पटेल 10 सेकंड और थे लेकिन वापस चले गए। मुनीश, किसी भी स्पोर्ट्स में जितना जरूरी है अपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना, उतना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ के बारे में जानना। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश अभी गुजरात के डिफेंस के खिलाफ खेल रहा है, इससे साफ नजर आता है कि बहुत ज्यादा होमवर्क उन्होंने किया होगा पिछले मुकाबलों में, उन्होंने साफ देखा होगा गुजरात को कि वो डिफेंस पर टिके रहेंगे, डिफेंस में बाजी मार सकते हैं, तो आज उनका डिफेंस तोड़ दीजिए, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप टूट जाएगा। सागर पनवर इस समय रेड पर हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और जो पिछला मुकाबला हुआ था सेमीफाइनल दिल्ली और हरियाणा के बीच में, हरियाणा की टीम लगभग 20 मिनट तक वार्म अप करती रही और यहां पे जो चाह रहे थे गुजरात वो हो गया, पहला टैकल पॉइंट गुजरात के नाम आया है लेकिन काफी देर के बाद। 7 पॉइंट पर है गुजरात, उत्तर प्रदेश ने डैमेज तो कर दिया है लेकिन सागर पनवर एक स्टार रेडर हैं यूपी की टीम के, वो जाएंगे बाहर। ये पकड़ बहुत अच्छी थी सचिन जोगिंदर, डू और डाई रेट इस समय गुजरात के लिए। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर पहली और दूसरी रेट खाली हो जाए तो दूसरी रेट डू और डाई बन जाती है, यहाँ पर उन्होंने किया है या फिर उनको बाहर जाना पड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, क्या ये डू और डाई रेट सुपर रेट तो नहीं बन गई है, सुपर रेट, ये तो शानदार रेट बन गई है मनीष, सुपर रेट बन गई है नीति, 4 खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया है और सुपर रेट यहाँ गुजरात ने कैसे अंतिम क्षणों में इस फर्स्ट हाफ के कैसे पासा यहाँ पे पलटने की कोशिश की है। पूरे नंबर देना चाहूंगा यहाँ सचिन जोगिंदर को, ऑलराउंडर है और ये आखिरी टच जो होता है
ये मिलियन डॉलर टच हो गया इनके लिए। रोहित तोमर इस बार फंस गए थे कि पहले सागर पनवर फंसे थे, अब रोहित तोमर फंसे हैं। तो बस गुजरात को यही करना है, अपने डिफेंस को थोड़ी सी और मजबूती देनी है। ऑल आउट होने के कगार पर है इस समय यूपी की टीम, उनके स्टार रेडर को दबोच लिया है गुजरात ने। बढ़िया बैक होल्ड किया और ऑल आउट कर दिया यहां गुजरात ने। क्या पलटवार किया है, और अभी पहला हाफ खत्म होने में 10 सेकंड बाकी हैं। व्हाट अ कमबैक एंड व्हाट अ रिप्लाई बाय गुजरात। मुनीश, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है यूपी की कि उन्होंने, उन्हें पता था कि कुछ यहां पर बदलाव नहीं किया जाएगा, इससे बेटर है कि ऑल आउट हो जाते हैं ताकि टीम को वापस आने का मौका मिले और इस डिफरेंस को बनाए रखने का। और खास तौर पे फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले एक रेड करके अगर कुछ पॉइंट्स मिल जाए, टच हो जाए, जैसा रोहित तोमर आए हैं, तो प्रेशर वापस गुजरात में जा सकता है। लेकिन यहां स्ट्रेटेजिकली गुजरात ने आखिरी के 2 मिनट में बहुत बहुत बड़ा धक्का दिया है यूपी को। हालांकि 5 पॉइंट की लीड है यूपी के पास, लेकिन गुजरात ने साइकोलॉजिकल बैटल जरूर जीत लिया है नीति पिछले 2 मिनट्स में। तो यहां पर यूपी की चिंताएं बढ़ेंगी दूसरे हाफ में। पहला हाफ का जो हाल है वो आप देख सकते हैं, यूपी 20 पर, गुजरात 15 पर। दूसरा हाफ दो रेडर्स का, लेफ्ट और राइट रेडर्स का, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है गुजरात ने। रोहित को रोका, उसके बाद में उन्होंने उनके पार्टनर को भी रोक लिया। तो दूसरा हाफ यहां पे शुरू हो चुका है गुजरात यूपी का। ये मुकाबला भले ही 5 पॉइंट की बढ़त है यूपी के पास, लेकिन गुजरात ने जिस तरीके से झटका दिया पहले हाफ में यूपी को, लगता है कि इस दूसरे हाफ में बहुत कुछ करने की उम्मीद से लेकर आई है। गुजरात ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है नीति, एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से एकदम से ऑफेंसिव पे गए, सुपर रेड हो गई, रेडिंग के पॉइंट्स उन्होंने लिए, टैकल अच्छे किए, ऑल आउट कर दिया यूपी को। और यहां पे थोड़ी सी गलती की झिलानीश जमेलिया ने, और इस समय एक और पॉइंट यूपी को मिलता हुआ। रोहित पर अकेले मत टूटिए, रोहित पर अगर आप अकेले टूटेंगे तो ऐसे नतीजे सामने आएंगे। बिलानीश को कोई जरूरत नहीं थी अभी रोहित को ऐसे टैकल करने की। जिगर चौहान इस समय गुजरात के लिए, बोनस अभी ऑन है, उनके पास मौका है, कम से कम बोनस तो लीजिए। और यूपी देखिए मनीष आगे आके, वो नहीं चाहते कि उनको बोनस का भी कोई मौका दिया जाए। और यहाँ पे जिगर चौहान एक रेड पॉइंट लेते हुए, रोहित तोमर ने तो 10 पॉइंट ले लिए यूपी के लिए, जिन पर नजर हम डाल रहे थे इस मैच के शुरू होने से पहले। साथ ही साथ जिगर नारायण भाई चौहान जो कप्तान हैं गुजरात के, और बोनस लाइन को टच किया और एक लेट चैनल चैलेंज वहां पर आया जिसकी मुझे ऐसा लगता है जरूरत नहीं थी नीति। और इस समय रोहित की हम बात कर रहे थे, रेड पर है, बहुत दारोमदार रहेगा यूपी का इनके ऊपर, अपने कंधों पर, यंग कंधों पर बोझ लेकर टच क्लेम कर रहे हैं यहां पर, अभी भी क्लेम कर रहे हैं, कोई इशारा नहीं हुआ गुजरात के कैंप से। कबड्डी के खेल में ऑनेस्टी जो है उसकी भी दाद दी जाती है, मिसालें दी जाती हैं। जिगर चौहान एक बार फिर से रेड पर, 4 पॉइंट का फासला रह गया है जो बहुत ज्यादा था, 10 पॉइंट तक चला गया था गुजरात के लिए। वापसी अच्छी की है, जरूरी है कि उसी चीज को आगे तक लेकर जाएं, क्योंकि ये है सेमीफाइनल मैच, यानी फाइनल में पहुंचने की आपकी ये आखिरी कोशिश होगी। जिगर चौहान अपनी कैन देखिए, 5 सेकंड्स 4 सेकंड्स 3 सेकंड्स बचे थे सिर्फ, और एक बार फिर से रेड पर टीम के रोहित तोमर। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है यूपी के पास में, रोहित तोमर और सागर पनवर का। लेकिन क्या कर रहे थे वहां पर सचिन वाघेला, गिफ्ट दे दिया उन्होंने कि आप जा तो रहे हैं, ये तोहफा लेते जाइए। और देखिए अपने रिटर्न मोड में थे और किस तरीके से आसान बना दी उस रेड को। रोहित तोमर के नाम एक और रेड पॉइंट गया, सचिन जोगिंदर रेड पर हैं, बोनस ऑन है, लेकिन बोनस की जो लाइन है ब्लैक लाइन, किस तरीके से गार्ड किया हुआ है गुजरात ने। यहाँ 3 चेन की फॉर्मेशन थी, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में जाने का प्रयास, लेकिन फिर से एक एम्प्टी रेड करके चले गए। अभी भी 11 सेकंड बचे थे, ये अंदेशा होता है नीति, अगर ज्यादा समय बच गया तो न्योता दे रहे हैं रेडर को कि आइए हमारे खेमे में, हमारा डिफेंस तैयार है। टो टच, क्या वहां टो टच हुआ है, कोशिश उनकी अच्छी थी, अभी कोई इशारा नहीं किया गया, कोई टो टच नहीं। 22-17
फिर यहाँ पर नंबर वन जिगर चौहान टीम के कैप्टन है और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रेट पॉइंट्स भी उन्होंने ही लगाए हैं। स्क्वाट थ्रस्ट देखिए, हाइट उनकी कम है तो ऐसे एक्शंस में वो परफेक्ट जरूर नजर आएंगे। ऐसी गलतियां ना करें, जब आपका ओपोनेंट रेडर आसानी से जा रहा है तो आपको एडवांस टैकल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंकित तोमर जो डिफेंडर हैं वो बाहर गए हैं, तो एक बेहतर रेड हुई है यहाँ पे, डिफेंस को थोड़ा सा वीक किया वहां पे जिगर चौहान ने। बोनस ऑन है यूपी के लिए, 16 रेड पॉइंट्स, 4 टैकल पॉइंट्स, 3 अदर पॉइंट्स फॉर यूपी, बट एट द मोमेंट द बैटल इज स्टिल ऑन, दो इट्स अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 5 पॉइंट्स। क्लेमिंग वन मोर टच देयर, यस ही डज। रोहित तोमर नाउ गेट्स रिड ऑफ सचिन जोगिंदर हुज एन ऑलराउंडर। रोहित तोमर फिर से वही किकिंग का स्टाइल, और जो 16 रेट पॉइंट्स हैं यूपी के उसमें से 12 रेट पॉइंट्स तो सिर्फ और सिर्फ अकेले रोहित तोमर ने ही लिए हैं। वो एक कहावत याद आ गई कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित तोमर के लिए गुजरात की टीम कह रही है कुछ दिन नहीं कुछ लम्हे बिताइए और आसान से पॉइंट लेकर जाइए। जिगर चौहान इस समय बहुत स्विफ्टनेस के साथ जा रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन राइट में आने के लिए सारे रास्ते ब्लॉक हैं। एक और एम्प्टी रेड गुजरात के नाम, रोहित तोमर एक बार फिर से, तो किस तरीके से खातिरदारी करेगी गुजरात की टीम यहां, अगर इनको टैकल कर लिया उन्होंने तो एक मनोबल तोड़ पाएंगे। बोनस ऑन है, यहां पर दबाव प्रेशर साफ गुजरात के चेहरे पे नजर आ रहा है। यहां पर रोकिए उनको क्योंकि समय जा रहा है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और क्यों ना ये इस मौके को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो खेलो इंडिया के कबड्डी के फाइनलिस्ट बनने का जो सुनहरा मौका है वो आपके नाम हो सकता है। एक ऑलराउंडर ने दूसरे ऑलराउंडर को बेंच की तरफ भेज दिया है। सचिन ने रविंदर जियालाल को ये टच, लास्ट हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस तरीके से यहां क्लेम किया, और ये कह सकता हूं कि एक कॉन्सोलेशन पॉइंट ले लिया गुजरात ने। अभी भी 7 पॉइंट की बढ़त है यूपी के पास, लेकिन जब तक रोहित तोमर रेड पर जाते रहेंगे नीति, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता रहेगा गुजरात के ऊपर। हैंड टच में माहिर है, टो टच में माहिर है, जंप करके निकल जाते हैं, डुबकी लगा लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो रोहित तोमर नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेफ्ट कॉर्नर में नहीं आ रहे हो, सिर्फ राइट कॉर्नर पे ही ज्यादा हावी होने जा रहे हैं, लेकिन इस समय जिगर चौहान है, बड़ी देर के बाद अब वो आए हैं राइट कॉर्नर पे। ओह अच्छा प्रयास था वहां पे, लेकिन टच हुआ नहीं, नहीं तो सीधा हाफ लाइन के पास जाते। सफेद लाइन जो है उसे बॉक लाइन कहते हैं, एक एलिजिबल रेड करने के लिए इस सफेद लाइन के पार भी जाना होता है, और यहां पे परस्यू का एक प्रयास, टच नहीं कर पाए रोहित तोमर। एजाइल है, अटेंटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, हर रेडर की एक जोनल स्पेशलिटी होती है। अगर आप लेफ्ट रेडर है तो राइट कॉर्नर पर जाएंगे, और अगर आप राइट रेडर है तो आप अक्सर अटैक लेफ्ट कॉर्नर पर ही करेंगे। रोहित तोमर ये नहीं रुकेंगे, इन्हें रोक पाना, इन्हें रोकने के लिए कुछ और ही स्ट्रैटेजी बनानी होगी गुजरात को। गुजरात चाहे तो मैं उनके लिए डिफेंडिंग कर सकता हूं, लेकिन सोचना पड़ेगा क्योंकि यहां पर रोहित तोमर ने 16 रेड पॉइंट्स बना लिए इस मैच में, और गुजरात के भले ही 19 पॉइंट आप देख रहे हैं उनमें से 15 रेड पॉइंट्स हैं, और यहां रेड विफल हुआ गुजरात का। उत्तर प्रदेश का सपोर्ट यहां पे बढ़ता हुआ, गुजरात शायद क्राउड प्रेशर से भी थोड़ा सा बह गया, निकल गए थे चेन से, लेकिन ये इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डिफेंस के दौरान, जो कि यूपी के पास इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। सागर पनवर काफी देर बाद आए हैं, पूरी तरह से रिजुवेनेट हो गए होंगे, क्योंकि इससे पहले लगातार रेड पर आ रहे थे रोहित तोमर, तो ऐसा लगता है शायद इस 5 के डिफेंस को तोड़ पाएंगे। जी हाँ, 5 का डिफेंस और ये पॉइंट भी यूपी के नाम। टाइम आउट का समय, यहाँ पे टाइम आउट का समय आ ही गया था कोच के लिए, क्योंकि कोई और चारा नहीं है,
अपने ओपोनेंट की रिदम को, उनकी कंसिस्टेंसी को एक पॉज लगाने का। सचिन जोगिंदर बाहर बेंच पर गए हैं, फर्स्ट हाफ के खत्म होने से पहले सुपर रेड करके गए थे, लेकिन यहां पर एक ब्रेक दिया रोहित तोमर को, सागर पनवर आए और एक सक्सेसफुल रेड कर गए। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए सागर पनवर, 9 नंबर के सचिन जोगिंदर जो गुजरात के हैं उनको बेंच पर भेज दिया। और ये थोड़ी सी जो क्लीन अप हो रहा है, ये खिलाड़ियों के पसीने से वहाँ थोड़ा सा स्लिपरी हो गया था और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। मनीष, वहाँ पर उन्होंने टीम टाइम आउट नहीं कॉल किया था, वहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट लिया गया है। और इस टेक्निकल टाइम आउट को किसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप अपने रिदम में हैं और गुजरात को चाहिए कि इस टेक्निकल टाइम आउट का पूरा पूरा फायदा उठाए। ऑलराउंडर सचिन वाघेला इस समय रेड पर हैं, फुल स्ट्रेंथ में है यूपी की टीम, बोनस ऑन है, लेकिन सचिन को ही हैव टू इंट्रूड डीप इफ ही हैज टू अर्न दैट बोनस पॉइंट आल्सो, फॉरगेट अबाउट टच बट गेट अ बोनस पॉइंट। और देखिए किस तरीके से गार्ड की हुई है बोनस लाइन यूपी के खिलाड़ियों ने, एक प्रयास था शुभम बैदवान वहां डिफेंडर 10 नंबर की जर्सी में, पहले तो चौकन्ने थे लेकिन टच क्लेम किया है, टाइम ही नहीं बचा था तो पॉइंट क्या मिले। कभी कभी आपके अगर प्लान ए फेल हो रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अपना प्लान बी अडॉप्ट करें। यहाँ पे समय है गुजरात के लिए, ग्रीन कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा क्योंकि आप इस समय कोर्ट पर हैं, मैदान पर हैं और स्पोर्ट्स आपको यही तो सिखाता है डिसिप्लिन। 30-19 रोहित तोमर एक बार फिर, सुपर टैकल ऑन है क्योंकि 3 डिफेंडर इस समय मैदान पर हैं, एक की चेन और एक सिंगल। और इस समय चीजें कंट्रोल में है यूपी की टीम में और 11 पॉइंट की जो बढ़त है उसको उतनी आसानी से वो नहीं देंगे, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि इस मैच के बाद आपके बीच आएगा एक और बेहतरीन मुकाबला, गर्ल्स कबड्डी का फाइनल आएगा आपके बीच हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच में। दोनों ही टीमें अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वालिफाई कर गई, आज ही वो सेमीफाइनल खेले गए थे और इस मैच के बाद आपके बीच आएगा कबड्डी का गर्ल्स का फाइनल लाइव आपकी स्टार स्पोर्ट्स स्क्रीन पर। एक बार फिर से जिगर चौहान टीम के कैप्टन हैं, ये दबाव बहुत ज्यादा होगा गुजरात पर क्योंकि लगातार वो पिछड़ते जा रहे हैं और सेकेंड हाफ है, ये आखिरी हाफ है। जिगर चौहान डिफेंस इतना आगे है क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो बोनस अभी ऑन है उसमें कोई भी कोशिश की जाए जिगर चौहान की। और यहां पर यूपी कोई मौका ही नहीं दे रही है, गुजरात इज रनिंग आउट ऑफ द आइडियाज। और नीति, आप जानती हैं ये जो सपोर्ट मिल रहा है यूपी को, वो कर्नाटका के टीम भी यहां पर बैठी हुई है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और यहां क्या ग्रैब था, एक जंप की कोशिश थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए जिगर चौहान। तो यूपी 31 पर 19 पर है गुजरात, टाइम आउट कॉल किया गया है, 4 मिनट और 40 सेकंड बचे हैं, लेकिन इस मुकाबले के बाद आर यू एक्साइटेड नीति, गर्ल्स का फाइनल आने वाला है कबड्डी का, खेलो इंडिया का कबड्डी का पहला फाइनल। बिल्कुल, वहां पर अगला मुकाबला होगा कबड्डी का फाइनल मैच जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होगा, हमें भी है क्योंकि ये मुकाबला है हिमाचल प्रदेश वर्सेस दिल्ली। दिल्ली अपने घर पर टाइटल के लिए अपनी चुनौती पेश करती नजर आएगी, फर्स्ट खेलो इंडिया और टाइटल कौन अपने घर नहीं ले जाना चाहेगा। हिस्टोरिक होगा क्योंकि पहला एडिशन अगर आप अपने नाम करके लेके जाते हैं तो हमेशा ये याद रखा जाएगा। जी हाँ, हिमाचल और दिल्ली का जो मुकाबला है, इससे पहले भी पूल में वो आपस में भिड़ चुके हैं और यहाँ पर एक शख्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उनका नाम है रोहित तोमर। क्राउड सपोर्ट कर रहा है, ऑल आउट कर दिया गुजरात की टीम को और गुजरात इस समय जो बचे हुए लम्हे हैं मैं फिर कहूंगा कि कुछ खास करना होगा। और ये जनाब जो हैं जिनका नाम है रोहित तोमर, इनको रोकने का कोई उपाय इन बचे हुए 4 मिनट्स में ढूंढना होगा, नहीं तो एक और फाइनल की तरफ उत्तर प्रदेश बहुत आसानी से जाएगा। नेशनल्स में बहुत अच्छा कर चुकी है यूपी की टीम, उस समय सचिन जोगिंदर रेड पर। स्कूल नेशनल गेम्स में अच्छे परफॉर्मेंस के चलते इनको क्वालिफाई, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला था इस खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। गुजरात जिससे ज्यादा उम्मीदें नहीं जुड़ी हुई थी लेकिन उस टीम ने सेमीफाइनल्स तक का सफर तय किया है।
रोहित तोमर के 17 रेट पॉइंट्स अभी तक हो चुके हैं और गुजरात के देखिए 19 टोटल पॉइंट्स है, सिर्फ 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा यानी 17 पॉइंट्स तो रोहित तोमर ने उनके अपने ओपनिंग स्कोरर के बराबर ले लिए हैं और वो 17 बढ़कर अब हो गए 18। और प्लेयर ऑफ द मैच है रोहित तोमर अनडाउटेडली, कुल मिला के 68 पॉइंट हो गए हैं उनके रेट पॉइंट्स खेलो इंडिया में। छत्तीस पर हैं यूपी, 19 पर गुजरात। जिगर चौहान जो कप्तान हैं उनके लिए ये रेट तो यूजफुल रही, लेकिन जो फासला आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और बचे हुए 3 मिनट्स में मुझे नहीं लगता कि गुजरात यहां पे वापसी कर पाएगा। लेकिन यहां पर गुजरात के पास एटलीस्ट डिफरेंस को कम करने का मौका जरूर है। जिगर चौहान टीम के कैप्टन है, थोड़ा सा टीम का सपोर्ट और मिल जाता तो यहां पर गुजरात की कहानी सचमुच कुछ और हो सकती थी। और हाई स्कोरिंग गुजरात की टीम रही नहीं है, पूल ए में थी, हाईएस्ट पॉइंट्स उन्होंने 23 बनाए, 3 मैच खेले और 2 बारी 23 पॉइंट्स तक पहुंचे और जब उन्होंने हरियाणा को हराया तो 18 पॉइंट्स बनाए। तो यहां उम्मीद थी नहीं कि गुजरात एक हाई स्कोरिंग टीम होगी, लेकिन यूपी यहां पे हाई स्कोरिंग टीम जरूर बनी है इस मैच में। 16 पॉइंट की बढ़त, सागर पनवर आए वापस एक एम्प्टी रेड के बाद, लेकिन सचिन वाघेला बोनस ऑन है उनके लिए, लेकिन वो बोनस उन्हें जीत के करीब नहीं लेकर जाएगा। टांग वहां डाल ली थी लेकिन किसके सामने, इतना स्ट्रॉन्ग उनका एंकल होल्ड है, उनके सामने से आप कैसे निकलेंगे। शुभम वीरेंद्र सिंह वहां पर एंकल होल्ड करने में कामयाब हुए। शुभम को देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड और फिर डिफेंस पूरी तरह से अपनी अपनी जगह पर। जी हाँ, 2 डिफेंडर्स उसके बाद आए, अंकित तोमर और आर्यन शर्मा। एक अच्छी बैकिंग की जरूरत होती है डिफेंस में। एक बार फिर से रोहित तोमर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, स्टैमिना बचा के रखना चाहिए उन्हें उस फाइनल के लिए जो आज खेला जाएगा। इसके बाद तो डेफिनेटली वो बड़ा फाइनल आ रहा है, गर्ल्स का फाइनल हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का, और उसके बाद होगा बॉयज का फाइनल। तो स्टार स्पोर्ट्स में आपके सुपर संडे में 2 खास मुकाबले आने वाले हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कितना बड़ा चैलेंज है इन खिलाड़ियों के सामने, पहले अपना सेमीफाइनल खेलना है, उसके बाद अपना फाइनल मैच भी खेलना है, तो एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करना है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप उतना ही लगाइए जिसमें सेमीफाइनल की जरूरत हो और ऑल आउट चाहिए फाइनल मैच में। सचिन जोगिंदर, 2 सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं, अखिलेश पासवान और हिमांशु सिंह आ गए हैं। मौका दिया है उनके कोच राकेश कुमार मौर्य ने कि जाइए थोड़ा सा एक्सपोजर लीजिए, रेस देना चाहा है उन्होंने 2 खिलाड़ियों को और यहां पर कुछ स्पेक्टैकुलर करना चाह रहे थे सचिन जोगिंदर। फर्स्ट हाफ खत्म होते होते एक सुपर रेट तो कर गए थे, लेकिन ये प्रयास काफी नहीं था। 18 पॉइंट की लीड अब यूपी के पास। आर्यन अली देखिए कहां गए, सीधा पहले से उनकी नजर थी कि मुझे ब्लॉक करना है, इस रेडर को रोकना है। 38-20 और यूपी अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में मनीष सबसे टॉप पे रही है क्योंकि सबसे ज्यादा रेट पॉइंट्स उन्हीं के हैं, टोटल 140 उनके अभी तक पॉइंट्स हैं इस पूरे इवेंट के दौरान, टोटल 81 रेट पॉइंट्स अब तक लगा चुके थे। देखना होगा कि स्टैट्स किस तरह से बदलेंगे इस सेमीफाइनल मैच के बाद। हिमांशु सिंह आए थे रेट पर, डू और डाई रेट थी और कुछ समय पहले ही सब्स्टिट्यूशन के तौर पर कोर्ट पर आए थे एंड ही रैन आउट ऑफ द आइडिया एंड ऑफ कोर्स हैज टू गो बैक टू द बेंच। लेकिन इस समय बचे हुए 8 सेकंड बस बिताएंगे ही सिर्फ जिगर नारायण भाई चौहान, ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ेगा गुजरात को और यूपी जाएगी सीधा फाइनल में पीले रंग की टी शर्ट पहन के, गोल्ड का जो कलर है उसको लेने के लिए फाइनल के लिए आगे बढ़ रही है यूपी। 38-21 पे ये मुकाबला होगा खत्म और फाइनल में यूपी और दिल्ली का मुकाबला कबड्डी के बॉयज फाइनल में अब हो गया है तय। गर्ल्स में भी दिल्ली फाइनल्स में, बॉयज में भी दिल्ली फाइनल्स में, तो दोनों के दोनों फाइनल मुकाबलों में कम से कम घरेलू टीम खेलती हुई नजर आएगी और यहां पर गुजरात को हार का सामना करना पड़ा है लेकिन सेमीफाइनल तक उनका सफर काफी शानदार रहा। देखना होगा फाइनल्स में किस तरह से नजर आएगी उत्तर प्रदेश टीम 38-21 के स्कोर के साथ में। मुनीश सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स लिए गुजरात ने सेकेंड हाफ में।